आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम AMH हार्मोन यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन के बारे में जानेंगे। महिलाओं में इस हार्मोन का महत्व क्या है, ये कहाँ से रिलीज होता है और इसके वैल्यूज पे आधारित ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं क्या, इसके वैल्यूज पे आधारित आपका फर्टिलिटी यानी कि आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस आधारित होते हैं क्या, और स्टडीज क्या बता रहे हैं इसके बारे में हम देखेंगे, यानी क्या रिसर्च चल रहा है इस इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। सो इसके बारे में समझने के पहले हमें ये जानना चाहिए कि अंडे मैच्योर कैसे होते हैं ओवरी में, ओवरी में कितने अंडे होते हैं और कैसे मैच्योर होते हैं। सो बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं हमने कि ओवरीज में अंडे कितने होते हैं। जब एक महिला अपने माँ के पेट में बढ़ रही होती है तब उसके ओवरीज में अंडे बनना शुरू होते हैं। इमेजिन, सो जब आप पैदा होते हैं मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं आपके ओवरीज में, हर महीने धीरे धीरे कुछ लाखों में अंडे कम होते रहते हैं और हर महीने एक अंडा लगभग रिलीज होता है और ये अंडा अगर फर्टिलाइज हो गया तो बेबी में फॉर्म हो जाता है। सो ये है प्रक्रिया और आपके अंडे आपके जब आप अपने माँ के पेट में थे तभी से रेडी हैं, तभी से डिसाइडेड है। सो इनके स्टेजेस देखिए, ये डायग्राम देखिए जो हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है। जब ये आपके ओवरीज में होते हैं अंडे, एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं रखते हैं, एकदम सो रहे होते हैं समझिए, उनका नाम होता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। आप देख सकते हो इस डायग्राम में आखिरी में देखिए प्री ओविलेटरी फॉलिकल, इस स्टेज में वो अंडा रिलीज होता है और अगर फर्टिलाइज हो गया तो बेबी बनता है। लेकिन इन दोनों स्टेजेस के बीच में आप देख सकते हो अन्य प्रकार के स्टेजेस हैं, जैसे अर्ली प्राइमरी, लेट प्राइमरी, प्री एंट्रल, स्मॉल एंट्रल फॉलिकल, लार्ज एंट्रल फॉलिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं और इनके बारे में हम जानेंगे, ये देखेंगे कि AMH आता कहाँ से है। सो ये AMH है एंटी मुलेरियन हार्मोन, ग्रैन्यूलोसा नामक सेल से रिलीज होता है। अंडों के इर्द गिर्द ये ग्रैन्यूलोसा सेल्स होते हैं और ये AMH को रिलीज करते हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि प्राइमरी फॉलिकल्स के स्टेज से ही ये AMH हार्मोन रिलीज होता है। सो जब ये प्राइमोर्डियल में होते हैं उस स्टेज में हमें स्कैन में भी नहीं दिखते, प्राइमरी के स्टेज से धीरे धीरे जब वो बढ़ना शुरू होते हैं ये AMH लेवल्स रिलीज होना शुरू होते हैं। सो AMH प्रोडक्शन जो है सबसे ज्यादा ये जो प्री एंट्रल और एंट्रल स्टेज के जो एग्स हैं वहीं से रिलीज हो रहे होते हैं। सो AMH हमेशा ये स्टेज से बढ़ना शुरू होता है और जब ये फॉलिकल बढ़ जाता है, जब ये 8 mm से ऊपर, 8 mm से ऊपर बढ़ जाता है तभी AMH प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, तो ये ध्यान में जरूर रखिए। तो आपके ओवरी में कई प्रकार के स्टेजेस में एग्स होते हैं, एंट्रल होते हैं, प्री एंट्रल होते हैं, प्राइमरी होते हैं, बट याद रखिए ये जो प्री एंट्रल और स्मॉल एंट्रल स्टेजेस है वहां से AMH रिलीज हो रहा है। तो आपके पीरियड के किसी दिन में भी आप ये AMH करा सकते हो और ये वैल्यू फेयरली कांस्टेंट रहेगा। तो आप समझ गए हो कि AMH पीरियड के दूसरे दिन, आठवें दिन करने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी ये टेस्ट कर सकते हो। तो इसके वैल्यूज क्या कहते हैं, इसके वैल्यूज से आपके जो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है, आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट है, आपके ओवरीज में क्या चल रहा है ये जान सकते हैं, यानी कि आप किस तरह का रेस्पॉन्स दे सकते हैं अगर ट्रीटमेंट देंगे, या प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं प्रेग्नेंट हो रहे, AMH लो है, हाई है, कितना है। सो अलग अलग लेबोरेटरीज में अलग अलग वैल्यूज होते हैं जिसे मेजर किया जाता है। मैं नैनोग्राम पर मिलीलीटर के बारे में आज बात करूंगी। सो अगर आपका AMH लेवल 4 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से भी ज्यादा तो शायद आप PCOS हो सकते हो। अगर ये 1.5 से 4 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर है तो नॉर्मल रेंज है, इस रेंज में आपको खुद प्रेगनेंसी भी हो सकता है, बाकी सब अगर ठीक रहा, ओविलेट हो रहे हो वगैरह, तो ये बहुत अच्छा वैल्यू है। अगर 1 से 1.5 नैनोग्राम्स लीटर पर ml है तो ये लो रेंज है, लो है मगर नॉर्मल रेंज है, लो नॉर्मल कहते हैं इसे। अगर 0.5 से 1 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है तो इसे लो कहा जाता है, और अगर 0.5 नैनोग्राम्स पर लीटर से भी कम है तो वेरी लो AMH लेवल्स है। AMH से हमें ये भी पता चल रहा है अगर लो है तो अंदर एंट्रल फॉलिकुलर काउंट नहीं है, इसका मतलब एग रिजर्व कम हो रहा है, इसीलिए आपके डॉक्टर्स ये वैल्यू पे आधारित उनका ट्रीटमेंट अवश्य कराइए। तो सिर्फ क्या AMH देखा जाता है, नहीं, एंट्रल फॉलिकल काउंट यानी पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन एक स्कैन किया जाएगा और इस स्कैन में ये देखा जाएगा कि जो एंट्रल फॉलिकल्स मैं आपको बता रही हूँ जो बढ़ने वाले हैं इस पीरियड में वो कितने दिख रहे हैं, 5 है 6 है, ओवरीज में 2 ओवरीज होते हैं तो कितने फॉलिकल्स बढ़ रहे हैं, ये AFC एंट्रल फॉलिकुलर काउंट स्कैन में देखा जाता है। ये AMH और एंट्रल फॉलिकुलर काउंट को रिपोर्ट को सामने रखकर देखा जाता है कि आपका ओवेरियन रिजर्व अंडे अच्छे हैं, जितना आपका जो आपका उम्र है, जितना एज है उसके मुताबिक है या नहीं, और कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन बेस्ट रहेगा। तो स्टडीज क्या कह रहे हैं,
स्टडीज में हमको हमेशा मेटा एनालिसिस के बारे में देखना चाहिए। मेटा एनालिसिस क्या होता है? बहुत सारे केसेस लिए जाते हैं, बहुत सारे स्टडीज लिए जाते हैं जिनमें बहुत सारे पेशेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, कईयों के कम ज्यादा AMH को देखा गया, AFC को देखा गया और एक मेटा एनालिसिस बनाया, यानी कि सारे स्टडीज में क्या कंक्लूजन निकला ये देखा गया। इन मेटा एनालिसिस में ये पता चला, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये लेटेस्ट है, इसमें पता चला है कि AMH और AFC बहुत अच्छा डायग्नोस्टिक टूल है, यानी कि बहुत अच्छे इंडिकेशंस हैं कि आपके ओवरीज में कितने अंडे हैं, कौन सा रिस्पांस अच्छा रहेगा, एज के मुताबिक आपको कैसे ट्रीटमेंट कराना चाहिए। AFC एंटरल फॉलिकुलर काउंट और AMH के द्वारा पता लगा सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए, या आप शायद IVF प्लान कर रहे हो या IUI प्लान कर रहे हो, आपकी उम्र ज्यादा है, AMH लो है, आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।